एक्चुअली इंडियन ओडिसी मैंने स्टार्ट करी है और ये नहीं पता कि कितने दिन की होगी, कितने महीने की होगी। पूरा पाकिस्तान बनाया था। अच्छा, ये पूरा ही पूरा सेटअप कर दिया था ये पाकिस्तान का। ओमपुरी यहाँ से वो लेके जाता है अपने बुलेट पे। पीछे जो हवेली आप देख रहे हैं ये है झुंझुनू वाला हवेली। ये गोल्डन पेंटिंग रूम है, इसके अंदर 3 किलो सोने की पेंटिंग बनी हुई है। हाँ मम्मी सही से रहना। चलो भाई हम तो निकलते हैं अपने लंबे रोड ट्रिप के लिए। बाकी ये नहीं पता कि भाई कितने दिन का रोड ट्रिप होने वाला है और कब मैं घर वापसी आऊँगा। हाँ मिस करेंगे, ये भी मुझे मिस करेंगे, मैं भी इनको मिस करूँगा। कोई नहीं, रोज़ तो खैर वीडियो कॉल पर बातें होती रहेंगी। आगे ऑटो आ गया तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, है ना, रोड के बीच में खड़े हुए हम। तो हाँ, और अश्विनी भाई आए हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। हमारे जिगरी यार ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन है ना। और ये रहा अपना ब्लैक टाइगर, देखिए तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, जबरदस्त। ये रहा ये चलो वही निकलते हैं नए धमाल के लिए, है ना, नया धमाल कड़क वाला एकदम, और वो भी सोलो। तू चलाएगा? तो ये रोड तक दोनों छोड़ने जा रहे हैं मुझे, थोड़ा सा आगे तक छोड़ के आ जाएंगे, सी ऑफ करके आएंगे ये दोनों। चलो जी, काफ़ी लंबा दिन होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ निकल रहा हूँ। मैप में दिखाता हूँ कि आज का डेस्टिनेशन क्या है। जय माता दी। ठंडी ठंडी हवा के झोंके, सुबह के। बैक ऑन टू द रोड्स गाइस, बैक ऑन टू द रोड्स, और अब होगा सुपर धमाल। का साथ यहीं तक था, अब निकलते हैं, है ना। ओके चल भाई, आर्मी की परेड हो रही है वो। हाँ मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज का डिस्टेंस दोस्तों, एक मिनट बताता हूँ, जाएंगे बुलेट बाबा जो कि पाली राजस्थान में है, और यहाँ से एक मिनट 9 घंटे 7 मिनट दिखा रहा है, 577 किलोमीटर। तो 577 किलोमीटर्स है, हम होते हुए जाएंगे अजमेर, जयपुर, और फिर पहुंचेंगे पाली। तो पाली में ही है बुलेट बाबा। डन 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 डन, आराम से जियो घर, ठीक, चल बाबा है। ये हो गई हमारी जर्नी स्टार्ट। कितना है यहाँ पर? 111। अरे काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में, है ना, दिल्ली में 103 104 है। राजस्थान की सरकार ने घटाई नहीं? बिल्कुल ही नहीं। 1450 कितना लीटर की टंकी है? टंकी 17 लीटर का है इसका। 17 कौन सी जगह है ये? छावला, शाहपुरा। ओके, मनोहरपुर शाहपुरा। चलो जी ब्रेक लिया जाए और चाय पी जाए। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मनोहरपुर करके कोई जगह का नाम है, और ये है वीर तेजा दर्शन कोई होटल है। यहां पर चाय पीऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं अपनी जो बाइक है उसको भगाया जा रहा था कंटिन्यूसली। एक्चुअली 190 किलोमीटर के आसपास वन गो में मैंने खींच दिया, कहीं पर भी रुका नहीं, जस्ट एक जगह रुका था थोड़ी देर के लिए जहाँ पर ठंड ज़्यादा लग रही थी, उसके बाद तो भाई दे पेलम पेल अपने टाइगर को भगाते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ। थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो ब्रीफ है वो मैं आपको दे देता हूँ।
एक्चुअली इंडियन ओडिसी मैंने स्टार्ट करी है और ये नहीं पता कि कितने दिन की होगी, कितने महीने की होगी और कहाँ कहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, कुछ नहीं पता। मतलब विद द फ्लो जो मिलेगा भाई साहब वो हम करते जाएंगे। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली चाय पीते पीते जब लोकल से बात कर रहा था, मैं लोकल ने बताया कि यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर दूर एक मंडावा शहर है, विलेज है, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी हवेलियों के लिए। और वहाँ पर बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई थी। मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल जो पाकिस्तान है वो बनाया गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मंडावा चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ की जो फेमस हवेलियाँ हैं वो, और बुलेट बाबा दिखाएंगे आपको कल। वैसे मैं रिसर्च कर रहा था अभी बैठे बैठे कि मंडावा के अलावा और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जो कि ऑफ बीट हो। तो एक जगह और पता चली है, वहाँ पर कल जाएंगे और फिर उसके बाद बुलेट बाबा। मतलब भाई कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट दिखाने की कोशिश हमेशा रहती है आपके भाई की। तो चलो पहले चलते हैं मंडावा और फिर कल का तो आपको अगले ही ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि सस्पेंस मैं जारी रखूंगा इस पूरी सीरीज में कि आने वाला जो ब्लॉग है वो कहाँ का होगा। भाई एक मिनट रुकियो यार, ये मंडावा कहाँ है? मंडावा हाँ इधर, ये तो इधर दिखा रहा है टाइगर। ये 16 17। अच्छा बताओ ना किधर है? हाँ गूगल है लेकिन इधर से बता रहा है। हाँ 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 चलो जी मिल तो गई है। सो गाइस ये है मंडावा की मार्केट, देख लीजिए मंडावा की मार्केट कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। और यहीं से जो हवेलियाँ हैं पुरानी वो हो गई है स्टार्ट। सी काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी खूबसूरत है। और ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा अभी तो। ये है मंडावा की कोठी। ओहो जबरदस्त। तो भाई सुबह थी ज़बरदस्त ठंड, अब हो चुकी है गर्मी, मुझे तो पसीने छूट रहे हैं। बाकी हम पहुंच चुके हैं मंडावा और मंडावा की हवेलियाँ यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। और ये भाई हैं जीतू जो कि हमारे गाइड हैं आज के लिए। एक मिनट गाड़ी आ रही है, कुछ को जाने देते हैं पहले, इधर हो जाते हैं। पीछे जो हवेली आप देख रहे हैं ये है झुंझुनू वाला हवेली और इसकी हिस्ट्री कुछ है। हाँ ये गोल्डन पेंटिंग रूम है, इसके अंदर 3 किलो सोने की पेंटिंग बनी हुई है। ओके वो देख सकते हैं, वो अपन विजिट करेंगे अंदर जाके, जिसके अंदर राधा कृष्ण भगवान की, राजा महाराजाओं की पिक्चर बनी हुई है। हाँ। वो अपन अब गोल्डन पेंटिंग विजिट करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस ये है टिकट 200 रुपए की पर हवेली आपको घूमने को मिलेगी। मतलब 200 रुपए टिकट है, एक हवेली आप घूम सकते हैं 200 रुपए में। बाकी एक हवेली और देखेंगे हम। तो आप बता रहे थे यहाँ पर गोल्डन पेंटिंग रूम है जो ये है, जिसके अंदर 3 किलो सोने की पेंटिंग बनी हुई है। तो जी कुछ ऐसी है हवेली, सी चारों तरफ नक्काशी कर रखी है और पेंटिंग्स बनी हुई है ये देखिए। और ये दीदी हैं जो यहाँ की ओनर है, शायद ओनर है आप, है ना? बढ़िया। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। तो ऐसी बहुत सारी हवेलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन
जो ये है ये थोड़ी सी स्पेशल है। ये लीजिए, हम आ गए अंदर। जूते लियूं? ओके, ये देखिए इधर, ये पूरा गोल्ड है। ओ हो हो, व्हाट ए ब्यूटीफुल आर्ट इट इज। मतलब चारों तरफ पेंटिंग बनी हुई है, राजा महाराजा हैं, श्री कृष्णा हैं, गणेश जी हैं, और यहाँ पर कुछ फ्लास्क वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखिए पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजता होगा ये? नहीं, ग्रामोफोन। हाँ, ग्रामोफोन। गोल्डन पेंटिंग रूम कहाँ पर है? अच्छा, ये गोल्डन पेंटिंग रूम है, पूरा गोल्डन पेंटिंग रूम। ओके ओके ओके, तो ये क्या है? ओहो, पंखा। ये यहाँ पर ऐसे स्टिच किया जाता था। हाँ हाँ, बाहर से एक आदमी खड़ा होता था जो फैन देता था, और जो लड़का बाहर खड़ा होता था वो गूंगा और बहरा होता था, क्योंकि ये बिजनेस का कोठिया होता था, इसलिए कोई बातें सुन ना सके। ओके, तो उस बंदे को ऐसे ही लिया जाता था कि वो गूंगा बहरा हो, क्योंकि ये बिजनेस कोठिया होता था। बिजनेस कोठिया मींस business always separate and secret, you could not share with anyone. So that's why this is Kotiya as a business. Why they have a golden painting here? Because of the people have to make the other people how rich we are. हाँ, ओके, किशोर भवन। आगे आगे वाला, जबरदस्त है यार। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं मंडावा कोठी, और यहां पर भी बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, जिसमें कि सलमान खान, वो जो आप पीछे गेट देख रहे हैं, वहां पर आकर बैठा था, सोया था। उसको पता चला कि ये मस्जिद है। हाँ, मस्जिद, तो वो बाहर आके सोता है। ओके, वैसे ये मस्जिद है नहीं, मस्जिद नहीं, इसको बनाया गया था मूवी के अंदर। ओके, पाकिस्तान बनाया गया था बजरंगी भाईजान के अंदर। वैसे तो बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है यहाँ पर, बजरंगी भाईजान, पीके, जब वी मेट, लव आजकल, मनोरमा, अभी रिसेंटली एक मूवी बनी थी मिमी, वो भी यहीं पर बनी थी। बॉलीवुड की जो टॉप मूवी थी पीके, बजरंगी भाईजान, वो यहाँ पर हुई थी। बजरंगी भाईजान के बाद में मंडावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बॉलीवुड में, तो लोग आने लगे। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी एड्स भी हो चुके हैं, कोई फॉक्स सेंट का या किसी फेविक्विक का, अब मगर मोस्टली बहुत ज़्यादा शूट हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, एक मिनी पाकिस्तान जो बनाया था वो कहाँ पर है? बजरंगी भाईजान के अंदर ये पूरा पाकिस्तान बनाया था। अच्छा, ये पूरा ही पूरा सेटअप कर दिया था ये पाकिस्तान का। ओमपुरी यहाँ से वो लेके जाता है अपने बुलेट पे, वो यहीं से लेके निकलता है। ओके, और तो ये जगह है जी पूरी, ये देखिए पूरा इसी गली के अंदर वो ये डांसिंग कार बनाया जाता है, डांसिंग कार होता है जहाँ पर वो कपड़े चुराता है, वो इस गली का सीन है। ये वाली जगह है जी जहाँ पर सलमान खान आके सोया था, यहाँ का सीन है। तो यहाँ पर बैठा था सलमान खान, सोया था, जो भी था। अब ये होटल है और इस गली के अंदर पीकी के अंदर वो जो सीन है वो डांसिंग कार वाला। हाँ, भाईजान में पाकिस्तान बना था। अच्छा, यहाँ पर वो डांसिंग कार का सीन है, डांसिंग कार का। हाँ, तो ये है वाटर वेल। तो जी, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही कम लोग यहाँ पर मतलब कि आए होंगे, एक्चुअली मोटो व्लॉगर बहुत कम आए होंगे। वैसे तो टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आता है, और यहाँ का नज़ारा देखिए क्या शानदार लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। सी, कोरोना के चक्कर में यहाँ पर फॉरेनर विदेशी नहीं आ रहे हैं। ओके, नॉर्मली यहाँ पर फॉरेनर विदेशी बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक जगह और चलेंगे। अच्छा, जो पुलिस चौकी दिखाई थी वो कौन सी थी? यहाँ पर बनाया गया था, इस साइड बनाया गया था। किधर? ये वाला, इसको पुलिस स्टेशन बनाया गया था इसको। हाँ, तो यहीं पर सारा शूट हुआ था, जो बॉलीवुड ने नकली पाकिस्तान यहाँ पर बनाया था। सलमान खान की कौन सी फिल्म थी यार, नाम भूल जाता हूँ, बजरंगी भाईजान के लिए, सेठ सेवाराम सराफ हवेली। और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर शूट किया था, कुछ बोला होगा, खैर मैंने फिल्म देखी नहीं है ज़्यादा कुछ। और पीके के लेकिन वहाँ पर अमित खान के साथ होता है। तो ये पूरा एरिया ही बना का मतलब ये है, ये जो गलियाँ हैं और ये जो हवेलीज है, इन्हीं गलियों के अंदर मूवीज की शूटिंग होती है, जिसके अंदर जैसे कि एक बोले चूड़िया मूवी है, वो भी यहीं बनी हुई थी। अब जिसके अंदर अपन जा रहे हैं, यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई थी बजरंगी भाईजान की, वो अंदर जा रहे हैं, जिसको अभी होटल कन्वर्ट कर रखा है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से शूटिंग भी चल रही है। अच्छा, राजस्थानी गाने की शूट चल रहा है। देखिए सारा सामान पड़ा हुआ है, सेटअप कर रखा है यहाँ पर। ओहो, क्या कलाकारी कर रखी है, देखिए कितनी सुंदर है ये, लवली प्लेस मैन।
दिस इज सीरियसली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? स्विमिंग पूल है। ओके, तो ये अब कन्वर्ट हो चुका है होटल में, तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, बुकिंग वगैरह करनी पड़ेगी शायद। तो एक स्विमिंग पूल है उधर, रेस्टोरेंट वगैरह शायद। तो ऐसा कुछ है मंडावा कोठी का नज़ारा। तो हवेलियाँ यहाँ की काफ़ी खूबसूरत है, मुझे हाँ, तो काफ़ी पसंद आई। अराउंड 100 हवेलीज हैं यहाँ पर। अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 दिन यहाँ पर रहिए, देखिए, आइए। और ये जीतू भाई हैं, इनका नंबर मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कर लेना। वैसे मेरे से इन्होंने 500 रुपये लिए हैं, बाकी आप बार्गेन वगैरह जो करना है, जैसे बात करनी है, देख लेना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, नमस्ते। तो हमें तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये पूरा मंडावा दिखा दिया। देखता हूँ, थोड़ा आगे नहीं होगा ये? एक मिनट, एक सेकंड अभी निकल जाएगी, डब्बा हटा देता हूँ एक। पकड़ियो भाई, एक मिनट पकड़ ले बस। अरे भाई फ़ोटो लेने लग गया डब्बा निकालना पड़ा। अरे चाबी दियो भाई, चाबी दियो, चाबी चाबी चाबी, एक मिनट, बिना इसके निकलेगी नहीं। रुक जा। तो बॉक्स निकालना पड़ा यहाँ से निकालने के लिए, देखो क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। निकल गई, अरे बीकानेर का रास्ता यही है ना? हाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या कार है? मैं अभी जैसलमेर। हाँ, सीधा निकल है? लिखा हुआ है बॉक्स पे, लिखा हुआ है ये रहा। हाँ हाँ हाँ, यही है, सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, इतने सारे फैन आ गए हमारे, सब सब्सक्राइब करेंगे। करोगे भाई सब्सक्राइब? डन, चलो कर लेना। ये रहा एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, जहाँ मिले मौका वहाँ सब्सक्राइब करवा लो, बढ़िया रहता है। चाबी लगी रहने देते हैं। ओ, बिना मास्क अंदर आना प्रवेश करना मना है। कौन है इधर भैया? रूम मिल जाएगा? कितने का होगा ये? क्यों भाई, ठंड भी हो गई। और अच्छा, इधर सामने कितने का होगा पहले बता दो। हैं, अरे बजट में चाहिए ना मुझे, मैं तो बीकानेर जा रहा था सीधा। ओके जी, तो ये कॉटेज हैं शायद। हाँ कितने का होगा ये? 1000 का मिलेगा, कुछ और कम नहीं होगा? एसी वैसी तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। हैं,
अच्छा ओके जी, तो डन डना डन, अब रुक ही जाते हैं। एक्चुअली अंधेरे में ना गायें वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और एकदम से आ जाती है, पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही। करनी हेरिटेज, ओके कौन सी जगह ये? डूंगरपुर, डूंगरगढ़। फाइनल हो गया, यहीं पर रुक रहा हूँ। आगे रिस्क नहीं लेंगे अब हम नाइट राइड करने का, क्योंकि करीबन एक घंटे से अंधेरे में चला रहा हूँ मैं। तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक था, फटाफट व्लॉग को एंड करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और फिर जब व्लॉग आएगा आप देख लेना। तो टाटा बाय बाय सायोनारा फटाफट। वाओ dime lo que tú quieres de mi coqueta, sé lo que te gusta es salir y se suelta, cuando baila reggaeton pa' mí que muñeca, me gusta salir y se dosis.